की शक्ति को लेकर हम अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं क्या लगता है सपोज इमेजिन यू हैव अ पावर बैंक हेयर गॉड्स पावर उसको किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं क्या क्या करेंगे सपोज आपके पास भगवान की शक्ति है सारा दिन क्या क्या यूज़ करेंगे उसको क्या क्या कर सकते हैं भगवान की शक्ति के साथ हाँ तो सबसे पहले हम भगवान की शक्ति से किसको ठीक करेंगे आत्मा की स्थिति को ठीक करेंगे फर्स्ट इन्फ्लुएंस गॉड्स पावर फर्स्ट थिंग विल इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ बींग यहाँ जैसे ही परमात्मा की शक्ति के साथ यहाँ पर प्रभाव पड़ा सेकेंड प्रभाव किस पर पड़ेगा पहले यहां पड़ा सेकेंड प्रभाव कहाँ पड़ेगा यहाँ पढ़ा उसका सेकेंड प्रभाव यहाँ पड़ेगा तो हम परमात्मा की शक्ति को लेकर यहाँ डाल के यहाँ से उसको अपने पूरे शरीर में भेज सकते हैं अगर शरीर में कोई बीमारी है कोई दर्द है कोई अंग में कुछ प्रॉब्लम है रोज़ उसकी पावर को लें उधरते हैं वो चीज़ ठीक होने लगेगी क्योंकि बीमारी क्रिएट कैसे होती है बीमारी क्रिएट कैसे होती है कोई ब्लॉकेज यहाँ होता है उसका फिर ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट होता है अब हमें उस ब्लॉकेज को डिजोल्व करना है सिर्फ दवाई खा के दबाना नहीं है आज हम क्या करते हैं कोई भी बीमारी आती है दवाई खाते हैं ठीक कर देते हैं थोड़े साल बाद वो बीमारी वो फिर आ जाती है क्योंकि ब्लॉकेज को यहाँ से क्लियर नहीं किया तो परमात्मा की शक्ति से फर्स्ट आत्मा की स्थिति सेकंड शरीर थर्ड थर्ड किस पर असर पड़ेगा हमारे आसपास जितनी आत्माएं हैं उनके प्रति हम कैसी वाइब्रेशन भेजेंगे रिश्ते क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे फोर्थ हमारे आसपास जो प्रकृति है जो प्रकृति है वो प्रकृति पर भी वाइब्रेशन का असर पड़ता है तो हम परमात्मा की वाइब्रेशन को लेकर प्रकृति को भी देंगे आज सुबह दादी ने एक बहुत प्यारी बात कही कहते पानी का ग्लास ऐसे ही नहीं पी लेना सुना आपने बहुत बड़ी बात है वो पानी का ग्लास ऐसे ही उठा के नहीं पी लेना क्योंकि सारा दिन में जो हम पानी पी रहे हैं जो भोजन हम खा रहे हैं वो हमारे अंदर जाके हमारे मन की स्थिति और हमारे शरीर पे असर कर रहा है ये गिलास सामने आया इस ग्लास के ऊपर अगर हम एक एनर्जी मशीन ले इसकी एनर्जी फील्ड हमें पता चल जाएगी आप कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं पानी पीने से पहले थर्टी सेकेंड्स पॉज करें उस पानी को देखें और थॉट क्रिएट करें कि परमात्मा की पवित्रता की शक्ति इस पानी में भर रही है ये पानी की सारी इम्प्योरिटी सारी नेगेटिविटी फिनिश ये पानी अब पानी नहीं ये अब अमृत है जाते हैं ना मंदिर में अमृत लेने के लिए कितना प्यार से लेते हैं उस अमृत को ऐसा तो वो अमृत में और पानी में क्या फर्क होता है घर के है तो वो भी पानी लेकिन उस पानी को किसी ने परमात्मा की याद से क्या बना दिया अमृत बना दिया तो इतना अमृत क्यों पूरा ग्लास अमृत क्यों नहीं पूरा ग्लास अमृत क्यों नहीं और सारा दिन अमृत क्यों नहीं क्योंकि अमृत मतलब जिस पानी में परमात्मा की याद है कोई भी करके देखे इसके वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं सुबह सुबह अपनी फैमिली के लिए एक बड़े बर्तन में पानी भर दें पूरे दिन के लिए और उसके ऊपर एक मिनट पहले मेडिटेशन करें कि परमात्मा की पावर इस पानी में है ये पानी प्योरीफाई हो चुका है ये पानी हीलिंग वाटर है ये पानी अब सारा दिन मेरे घर में जो पिएगा ये उसके मन को और शरीर को प्योरीफाई करेगा अब पूरा दिन सबको पीने दो फिर भोजन की प्लेट आए सामने आज सब लोग कहते हैं पेस्टिसाइड बहुत है ये बहुत है ये बहुत है अन्न का मन पर असर पड़ता है किसी ने किस मन की स्थिति में भोजन बनाया है उसका हमारे ऊपर असर पड़ जाएगा यहाँ पर आप सब भोजन खा रहे हैं कैसा लग रहा है है तो सिंपल भोजन हाँ? सा हमेशा होटल में तो बड़े बड़े तरह का भोजन खाते हैं यहाँ तो सिंपल भोजन है लेकिन सबको अच्छा क्यों लगता है क्योंकि वो किसी ने बहुत शांत मन से और परमात्मा की याद में बनाया होता है तो ऐसे ही घर पे हम जो भोजन खाएँ सीधा ऐसे ही नहीं खाते हैं प्लेट सामने आए एक मिनट रुकना है उस भोजन में परमात्मा की याद कि भगवान की सुख की शक्ति इसके अंदर पड़ रही है इस भोजन बनाते समय अगर किसी ने भी कोई गलत थॉट क्रिएट की थी वो क्या हो जाएगी नफ इट्स डिलीटेड ये भोजन अब भोजन नहीं प्रसाद है इतना थॉट्स देकर, फिर उस खाने को खाएं, तो हमने भगवान की शक्ति यूज़ करके उस भोजन को क्या कर दिया प्योरिफाई करके चार्ज कर दिया प्रकृति के ऊपर सारा दिन हम परमात्मा की शक्ति को यूज़ करें तो हम कलयुग में रहते रहते सत्यों का एक्सपीरियंस करेंगे शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ मैं आया हूँ मुझे यूज करो मुझे यूज करो इट्स लाइक द सन वो सूर्य है उसकी शक्ति है हम ही खिड़की बंद करके ट्यूबलाइट ऑन कर लेते हैं तो हमने उस शक्ति को क्या किया